हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में 9th क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की 4th यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का इंट्रोडक्शन और सेशन 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स मीन्स उद्यमिता कौशल। इंट्रोडक्शन परिचय। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स। एक व्यक्ति विशेष की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजनेस किया जाता है, जिससे कि आप एक चीज को या फिर सर्विस को रेगुलरली प्रोड्यूस कर पाए और फिर उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए मार्केटिंग के द्वारा या फिर सेल्स के द्वारा। बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं और नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। बिजनेस कैटर्स टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए किए जाते हैं। बट समटाइम्स वी फाइंड दैट देर इज अ गैप बिटवीन व्हाट इज नीडेड एंड इज अवेलेबल। पर कई बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक गैप है जो भी आपको जरूरत है उसमें और जो चीज़ अवेलेबल है उसमें। मीन्स जो भी चीज़ हमें चाहिए जरूरी नहीं है कि वो पर्याप्त मात्रा में हमें मिल सके। तो दिस गैप कैन बी यूज एज एन अपॉर्चुनिटी बाय सम पीपल। तो ये जो गैप है वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी मानकर कुछ लोग उसे यूज करते हैं। हु आर रेडी टू टेक रिस्क, जो कि एक जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। एंड फिल द गैप बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो गैप रह गया था अवेलेबल में और रिक्वायर्ड में, उसे पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सच पीपल आर एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे लोगों को उद्यमी कहा जाता है। एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, इज विलिंग टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क एंड ब्रिंग्स इन ए न्यू आइडिया टू स्टार्ट ए बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर या फिर उद्यमी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना खुद का काम करता है। इज विलिंग टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क, जो कि अपने रिस्क जोखिम को कैलकुलेट करके और फिर उसके बाद उस रिस्क को लेने को तैयार रहता है। एंड ब्रिंग्स इन ए न्यू आइडिया टू स्टार्ट ए बिजनेस, और फिर एक नया आइडिया लेकर के आता है उस व्यापार को बिजनेस को शुरू करने में। इट इज़ हाउ एवर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। पर यह भी हमें समझना जरूरी है कि जो स्वयं व्यक्ति जो खुद अपना बिजनेस कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर हो। फॉर एग्जांपल, ए शॉपकीपर कैन नॉट बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। एक दुकानदार को आप एंटरप्रेन्योर उद्यमी नहीं कह सकते अनलेस ही इंट्रोड्यूसेस ए न्यू मेथड और आइडिया इन द बिजनेस, जब तक कि वो अपने बिजनेस में एक नया मेथड या फिर आइडिया विचार ना लेकर के आए। तो सेशन 1 को शुरू करते हैं। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता है क्या? डज योर मदर आस्क यू टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट नियर हाउस? तो आपकी मदर ने कभी आपसे जरूर कहा होगा कि मार्केट से लेकर के आइए कुछ घर की चीज़ें। डू यू बाय थिंग्स फॉर योर सेल्फ फ्रॉम शॉप्स नियर योर हाउस? क्या आपने उन्हें अपने घर के नियर किसी दुकान से लिया है? मे बी यू हैव बॉट मिल्क वेजिटेबल्स फ्रूट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हो सकता है आपने कभी ना कभी सब्जियाँ दूध फल किताबें पेंसिल या फिर कुछ और ऐसी आइटम जरूर खरीदी होंगी, या फिर आप मार्केट में गए होंगे और वहाँ पर से कुछ खरीदा होगा। तो ये देखिए एक टेबल दिखा रखी है, व्हाट आर द थिंग्स यू बाय? तो फूड आइटम्स जैसे कि दिखा रखी है, आप किराना शॉप से लेते हैं। तो जो डज द सेलर वर्क फॉर सेल्फ और फॉर समवन एल्स? जो सेलर है दुकानदार है, क्या वो अपने लिए बेच रहा है या फिर किसी और के लिए बेच रहा है? मीन्स वो खुद का काम कर रहा है या फिर किसी और के लिए कर रहा है? तो किराना शॉप जनरली खुद के लिए ही होती हैं, तो दुकानदार अपने लिए काम कर रहा है। रेडीमेड क्लोथ्स आप किसी मॉल में से खरीदते हैं, तो वहां पर कौन पाएगा आपको? एक सेल्स पर्सन पाएगा, जो कि एक एम्प्लॉई होगा एक चेन का, तो उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई बॉस होगा। सो डिड यू नोटिस दैट वाई सम पीपल आर द ओनर्स ऑफ बिजनेसेस, अदर्स आर एम्प्लॉयड एंड गेट ए सैलरी वेज? तो आपने जरूर नोट किया होगा कि कुछ लोग तो मालिक होते हैं, ओनर मीन्स मालिक होंगे उस व्यापार के, और कुछ होंगे जो उस पर नौकरी कर रहे होंगे और उन्हें सैलरी या फिर वेज मिल रहा होगा, डेली वेजेस भी मिल सकते हैं, जिसे हम दिहाड़ी मजदूर भी कह सकते हैं। न्यू आइडियाज विद विच एन एंटरप्रेनर एड्स वैल्यूज टू ए बिजनेस कैन बी ऑफ मैनी काइंड्स इंक्लूडिंग न्यू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नए नए आइडिया जो आते हैं वो एक उद्यमी के अंदर के बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें ऐड करते रहते हैं। लाइक एडिंग वेराइटीज, अलग अलग तरह की वेराइटी, न्यू सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी, अलग अलग तरह की सर्विस जैसे कि होम डिलीवरी या फिर क्रेडिट सर्विस उधार की सर्विस, न्यू मार्केटिंग आइडियाज, न्यू कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज एंड मैनी मोर। नए नए कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए बहुत से आइडिया उनके दिमाग में आते रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता। द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग ए बिजनेस प्लान, लॉन्चिंग एंड रनिंग ए बिजनेस यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड्स एंड टू मेक ए प्रॉफिट इज एंटरप्रेन्योरशिप। क्या प्लान है ये? द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग ए बिजनेस प्लान, अगर कोई बिजनेस प्लान आप डिवेलप कर रहे हो, लॉन्चिंग एंड रनिंग ए बिजनेस यूजिंग इनोवेशन, उसको
जो बिजनेस प्लान आपने बनाया है उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए चलाना और इनोवेशन के साथ एक नए तरीके से कस्टमर की जरूरतों को पूरा करना एंड टू मेक ए प्रॉफिट और उसके बाद उसमें से प्रॉफिट बनाना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। एंटरप्राइज, एन एंटरप्राइज इज ए प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग दैट इज बोल्ड एंड फुलफिल्स ए नीड ऑफ द सोसाइटी विच नो वन हैज एवर एड्रेस्ड। एक एंटरप्राइज एक तरह का प्रोजेक्ट है या फिर एक हाथ में लिया गया काम है जिसके द्वारा आप सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करते हैं जिन्हें पहले कभी पूरा नहीं किया गया था। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ सौम्या। हर स्टोरी विल हेल्प अस अंडरस्टैंड ए लिटल मोर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक सौम्या की कहानी लेकर चलते हैं जो कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और ज़्यादा बताएगी। अब स्टोरी ऑफ ए सौम्या द एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी की स्टोरी सौम्या नाम से जो है। सौम्या जो थी वो कर्नाटक के एक गांव में बड़ी हुई थी। उसके पेरेंट्स बेंगलोर में आ गए थे जिससे कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। जैसे जैसे सौम्या बढ़ती गई उसने अपने पेरेंट्स को देखा काम करते हुए और उसने एक छोटी सी दुकान शुरू करी उसके फादर ने जिसके अंदर वो कपड़े बेचा करते हैं और उसकी मदर जो थी वो दूसरे घरों में काम किया करती थी कुक का। सौम्या वांटेड टू सपोर्ट हर फैमिली, सौम्या जो थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। अब वो कॉलेज में जाने लग गई थी और वो अपना एक मनी मेकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती थी जिससे कि कुछ पैसे कमा सके। व्हेन शी टर्न्ड 18, जब वो 18 साल की हो गई तो सौम्या ने सोचा व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ विच विल हेल्प मी मेक मोर मनी एंड वेयर पीपल विल कीप बाइंग फ्रॉम मी अगेन एंड अगेन। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं कुछ पैसे बना सकूँ और लोग मुझसे बार बार खरीदने आए। तो दिट मीन्स जरूरत, नीड मीन्स जरूरत। शी नोटिस दैट द गर्ल्स इन हर कॉलेज केयर्ड अबाउट देयर हेल्थ, उसने नोट किया कि उसके कॉलेज में जो लड़कियाँ हैं वो अपने हेल्थ के बारे में बहुत केयर करती हैं। एंड डिड नॉट वॉन्ट टू ईट चिप्स एंड अदर अनहेल्दी फूड, और वो चिप्स या फिर ऐसे कोई खाने के आइटम्स जो अनहेल्दी हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है वो नहीं खाना चाहती। तो उसने क्या करा, उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना। शी स्टार्टेड मेकिंग हेल्दी स्नैक्स, उसने कुछ ऐसे स्नैक्स बनाने शुरू करे जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे थे एंड सोल्ड देम टू हर फ्रेंड्स इन कॉलेज, और उन्हें कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को बेच दिया। दैट इज आइडिया एंड स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस, तो ये एक तरह का आइडिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हर फ्रेंड्स लव्ड इट, उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे अच्छा माना बिकॉज नॉट ओनली वाज स्नैक हेल्दी, क्योंकि स्नैक सिर्फ हेल्दी नहीं थे सेहत के लिए अच्छे ही नहीं थे बल्कि वो काफ़ी टेस्टी भी थे। शी देन स्टार्टेड सेलिंग हर टेस्टी हेल्दी स्नैक्स टू पीपल इन हर एरिया, उसने जल्दी ही वो जो स्वाद और स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्नैक्स थे अपने एरिया में लोगों को सेल करना शुरू कर दिया। एज द डिमांड फॉर हर स्नैक्स इंक्रीज, जैसे जैसे उसके स्नैक्स की डिमांड बढ़ती गई सौम्या आस्क्ड हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स टू गिव हर सम मनी टू बाय ए स्मॉल मशीन विच वुड हेल्प हर इन मेकिंग मोर स्नैक्स। उसने अपने दोस्तों से और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी एक छोटी सी मशीन लाने के लिए जिससे कि वो और ज्यादा स्नैक्स बना सके। शी स्टार्टेड मेकिंग 5 times द स्नैक्स, उसने अपने स्नैक्स को 5 गुना बनाने शुरू कर दिए। शी स्टार्टेड गिविंग ए स्मॉल कमीशन टू हर फ्रेंड्स टू सेल दी स्नैक्स इन देयर ओन सोसाइटीज, उसने अपने फ्रेंड्स को छोटा सा एक कमीशन भी देना शुरू किया जिससे कि वो अपनी सोसाइटी में उन स्नैक्स को बेच सकें। दैट मीन्स ग्रोइंग द बिजनेस, अब उसने अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। आफ्टर 2 years सौम्या नाउ सेल्स हर स्नैक्स इन एवरी स्मॉल शॉप, अब 2 साल के बाद सौम्या हर छोटी सी छोटी शॉप के अंदर अपने स्नैक्स को बेचती है। शी कंटिन्यूड स्टडिंग वाइल डूइंग द बिजनेस, उसने व्यापार करते करते अपनी पढ़ाई जारी रखी एंड वॉज एबल टू पे हर कॉलेज फीस फ्रॉम हर ओन अर्निंग, और अपने कॉलेज की जो फीस थी उसने अपनी खुद की कमाई से बनानी शुरू करी। हाउ डू यू थिंक सौम्या आइडेंटिफाइड एन अपॉर्चुनिटी, तो सौम्या ने उस अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाना, क्या आप बता सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, अपॉर्चुनिटी आपको हर जगह पर मिलेगी। यू नीड टू लुक फॉर देम, स्पॉट देम, बस आवश्यकता है उसे ढूंढने की। डू यू हैव एनी आइडिया, हैव यू सीन एनी अपॉर्चुनिटी इन योर सराउंडिंग दैट यू टू कैन यूज टू स्टार्ट ए बिजनेस, क्या आपको भी कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी है जिससे कि आप एक अपना उद्यम या बिजनेस स्टार्ट कर सके? तो ये है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन, होता क्या है और ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए।